वेलकम बैक। और कहीं पढ़ा था मैंने कि कभी की लहरों के डर से नौ का पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और अब लगता है कि ये पंक्तियां इन्हीं के लिए लिखी गई। जब किसी चीज का पैशन हो तो फिर कोई भी मुश्किल सामना करने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। ये बात तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में सुनते आए हैं और ज्यादातर इसे अनसुना भी कर जाते हैं, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पैशन को और उसे आने वाली हिम्मत को जी रहे हैं। ऐसे ही किसी आम से इंसान की खास कहानी है ये, जिसने प्रूव किया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अपने बर्थडे के दिन घर से बाइक पर निकले राजेश केक लेने। इन दैट हैप्पी एंड एक्साइटेड मूड, राजेश ट्रेन के सामने से गुजरने का मजा लेने रेलवे ट्रैक पे गए। वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। फर्स्ट मई का दिन था, उस दिन मेरा बर्थडे होता है। मैं घर से निकला था केक लाने के लिए, मम्मा ने पैसे दिए थे, जा केक लेके। अब ट्रेन आ रही थी, मैं एक ट्रैक पे मैं खड़ा था, दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन बहुत दूर थी, काफी इंजॉय करता है ट्रेन आते की, चल मजा आया देखने में। तो जिस ट्रैक पे मैं खड़ा था उसी ट्रैक में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट थी और उस ट्रेन की तरफ मेरी पीठ थी। तो ट्रेन को मैं देख रहा था ऐसे कि ट्रेन अभी आएगी, निकलेगी, मैं भी निकल जाऊंगा। पर जैसे वो ट्रेन आई, वो हान की आवाज भी आ रही थी, जैसे मैंने इधर देखा उधर से एक ट्रेन और आ रही थी और वो ट्रेन एकदम मेरे ऊपर से चली गई। इस एक्सीडेंट के शॉक से राजेश के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी टूट सा गया। हॉस्पिटल में होश आने पर, दोनों पैर ना होने पर, राजेश ने सिर्फ एक बात सोची कि क्या वो अब कभी डांस कर पाएंगे। पूरी आ रही थी, मैं एक ट्रैक पे मैं खड़ा था, दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन बहुत दूर थी, काफी इंजॉय करता है ट्रेन आते की, चल मजा आया देखने में। तो जिस ट्रैक पे मैं खड़ा था उसी ट्रैक में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट थी और उस ट्रेन की तरफ मेरी पीठ थी। तो ट्रेन को मैं देख रहा था ऐसे कि ट्रेन अभी आएगी, निकलेगी, मैं भी निकल जाऊंगा। पर जैसे वो ट्रेन आई, वो हान की आवाज भी आ रही थी, जैसे मैंने इधर देखा उधर से एक ट्रेन और आ रही थी और वो ट्रेन एकदम मेरे ऊपर से चली गई। इस एक्सीडेंट के शॉक से राजेश के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी टूट सा गया। हॉस्पिटल में होश आने पर, दोनों पैर ना होने पर, राजेश ने सिर्फ एक बात सोची कि क्या वो अब कभी डांस कर पाएंगे। पूरी जिंदगी एक बेड पर गुजारने के डर ने उन्हें एक नया जोश और ऐसी हिम्मत दी जो कभी नहीं टूटी। डांस के लिए राजेश का पैशन इस कदर था कि बिना पांव के भी बस उन्हें डांस करना था। आर्टिफिशियल लिम्स और दिल जान से मेहनत का नतीजा ये था कि इन्होंने सलमान के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। स्टेज पर जाकर ये भूल गए कि दर्द क्या चीज है। मैंने डांस करना स्टार्ट किया था, मेरे को नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक आऊंगा, कि एक न्यूज़ चैनल का भी हिस्सा बनूंगा, एक रियलिटी शो में का हिस्सा बनने जा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, एक्चुअली मेरे को रियलिटी शो का पता ही नहीं था। मैं अभी स्टार्ट ही करता हूँ, लोग अपनी जगह जब खड़े हो जाते हैं तो बहुत बस ऐसा लगता है कि वो सब मेरे साथ हैं। दोनों पैर नाम होने के बाद भी डांसिंग में अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले राजेश के डांस टीचर भी इनकी हिम्मत के फैन हैं। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि इसके साथ ऐसा कोई हादसा हो चुका है। तो जब इसने मुझे ये बात बताई तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, शोक भी लगा, लेकिन फिर मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इसने अपनी लाइफ को पूरा चैलेंजिंग लिया है और ये डांस सीखने के लिए आया है। ये डांस तो अच्छे अच्छे लोग भी डांस सीखने से डरते हैं जिनके लेग्स होती हैं, और ये बिना लेग्स के आ गया मुझे डांस सीखना है। तो इसकी हिम्मत देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फैसला किया कि इसको मैं डांस सिखाऊंगा। राजेश के साथ डांस करने वाले फ्रेंड्स के लिए तो ये एक इंस्पिरेशन है। शो में परफॉर्म करते देखा तब मैं थोड़ा शॉक हुआ, तब मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ये इतना होने के बावजूद भी ये इतने अपने एनर्जी के साथ जो ये परफॉर्म कर रहा था, उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली कि हम इसे भी अच्छा कर सकेंगे। इसे देख के हमें खुद को भी लगा कि ये लग्स के बिना इतना कुछ कर सकता, तो हम तो उसे हमारे पास सब कुछ है तो हम तो उसे डबल कर सकते हैं। ऐसे एक्सीडेंट के बाद मायूस होकर घर बैठने की तो सभी सोच सकते हैं, पर जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। जो रास्ता हम
हम चुनते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है, जैसे राजेश ने चुना हौसले का रास्ता। अमृतसर में कैमरा पर्सन सिकंदर कुमार और राजन गुसाई के साथ गुरनाज कौर, टीएन नाइट न्यूज। सलाम है इस जज्बे को, इस हौसले को, और अभी इजाजत दीजिए मुझको, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए रब रखा।